अग्रेशन और एक्सटर्नल अग्रेशन या थ्रेट के नाम पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का भी प्रावधान देता है। यानी अभी अगर सरकार चाहे और प्रेसिडेंट एट द काउंसिल एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। आपने अपने ही पार्टी के एक अल्पसंख्यक जो काउंसिलर है ताहिर हुसैन, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी उसके उनको निकाल दिया। आप अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक काउंसिलर को नहीं बचा पा रहे हैं, आप दिल्ली में बाकी आवाम को तो क्या बचाएंगे। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने निराश किया मेरे ख्याल से तमाम जो इस तरीके के लिबरल जमातें थीं और तमाम इस तरीके के जो इंसाफ पसंद लोग थे, उनको तो मुझे लगता है केजरीवाल जी से काफ़ी निराशा हुई होगी। देखिए आंदोलन तो पूरे देश में CNRC के खिलाफ चल रहे हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हम लोग पिछले समय से क्या कर रहे हैं। हम लोग 16 फरवरी से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जन सत्याग्रह पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिस पदयात्रा में हमने 300 किलोमीटर से ज़्यादा का यात्रा तय की, 200 से ज़्यादा जनसभाएँ की, और इस यात्रा के ज़रिए हम लोग दिल्ली की व्यापक जो मेहनत करने वाली आबादी है, सभी मजहबों की, सभी कौमों की, सभी धर्मों की, उनके बीच में हम ये बात लेकर गए कि CNRC NPR का सच क्या है। क्योंकि ये बात सच है कि जो आंदोलन पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सामने एक चुनौती ये भी है कि इस आंदोलन को और कैसे बढ़ाया जाए, जिसके तहत हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी कि एक आबादी जिसके बीच में CA NRC NPR का सच सरकार पहुँचने ही नहीं दे रही है, क्योंकि anti CA NRC प्रोटेस्ट को सरकार एक खास मजहब से जोड़ के दिखा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर NRC पूरे मुल्क में लागू होता है तो इसमें हर मजहब का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का जो गरीब मेहनत करने वाला इंसान है वो पिसेगा। ऐसे वक्त में हम लोगों को लगता है कि इस तरीके की यात्रा का ही मकसद ये था कि anti CA NRC प्रोटेस्ट को और व्यापक आबादी के बीच में ले जाया जाए। आपने यात्रा निकाली, लोगों से बातचीत करी, क्या उनके मन में क्या है NRC NPR और CA के खिलाफ, कैसा सोचते हो? देखिए एक बहुत बड़ी जिसको कहना चाहिए आबादी है दिल्ली में भी, खास तौर पे जहाँ पे आप मान के चल सकते हैं वैसे मीडिया के चैनल और तमाम इंफॉर्मेशन के सोर्सेज पहुँचते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को वाकई नहीं पता है होने क्या वाला है। उनको नहीं पता है क्योंकि सरकार उन्हें ये नहीं बताएगी। सरकार तो ये बता रही है कि अरे ये तो कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, लेने की बात नहीं कर रहे हैं, और NRC तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये सब मतलब गलत फहमियों और एकदम झूठ फैला रही है। ऐसे में जन सत्याग्रह पदयात्रा का मकसद ये था कि सच लोगों के सामने लेकर जाया जाए, जिसमें सबसे बड़ा सच ये है कि हिंदुस्तान में एक राज्य जहाँ पे NRC हुआ, असम, उस राज्य में जब आखिरी लिस्ट बनी तो 19 लाख लोग शक के दायरे में आ गए जिनकी नागरिकता छीन ली गई। इन 19 लाख लोगों में से 4.5 लाख मुसलमान थे, बाकी 13.5 लाख से ज़्यादा लोग, 14 लाख से ज़्यादा लोग गैर मुसलमान थे, हिंदू थे। ये सरकार नहीं बता रही है, ये नहीं बता रही है, ये सच आपको आज ले जाना पड़ेगा और आपको इस देश की जो मेहनत करने वाली आबादी है हर मज़हब की, उसको बताना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान में NRC लागू होगा तो ये बहुत बड़ा और एक भयंकर स्थिति को पैदा करेगा। डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और मान लीजिए कि आने वाले दिनों में जो हमारे सरकार के जितने भी पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए गुलाम श्रम और मुफ्त श्रम मुहैया कराने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर्स के जरिए। NRC लागू नहीं होगी, अमित शाह जी तो कह रहे हैं होगी, अब किस पर यकीन किया जाए? ये तो मतलब रावण के 10 मुंह वाली बात हो गई ना, जितने इनके, और चलिए ये तो हर मुंह से अलग बात करते हैं, ये इनका कोई एक, आप इनके तमाम नेताओं के बयान देखिए, एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलेगा। तो मोदी जी ने तो रामलीला मैदान से 22 दिसंबर को कहा था नहीं होगा, तो अमित शाह जी क्यों मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं? लेकिन मैम जो दिल्ली में हिंसा हुई है CA के समर्थक और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं NDA, आपस में भिड़ गए, इस हिंसा को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि कराई गई है। हाँ मैं देखिए पहली बात है CA का समर्थक क्या होता है, जैसे पहली बार मैंने देखा
देखा है कि किसी कानून के लागू होने के बाद उसके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा कौन करता है? कानून लागू होने के बाद थोड़ी, कानून तो लागू हो गया, आप सरकार में तो हो रहा है। हाँ, मतलब यही है, कितनी बड़ी मजाकिया बात है कि ऐसा हो रहा है। कोई सीएए के समर्थन और खिलाफ वाली बात ही नहीं है, ये पूरी हिंसा जो राज्य है, जो मोदी सरकार है, उसके द्वारा प्रायोजित आरएसएस की शह पर की गई है। उसके बाद दंगे भड़काए गए हैं, दंगे जो है मैन्युफैक्चर किए गए हैं, और इसको जानबूझ के एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। जबकि सच्चाई ये है, जो हिंसा हुई, जो हमले हुए, जो पूरा दंगा भड़काया गया कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने, और उससे पहले प्रवेश वर्मा से लेकर अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने जो भड़काऊ भाषण दिए चुनाव के पूरे कैंपेनिंग में, उसकी वजह से हिंसा भड़काई गई और एक पीसफुल प्रोटेस्ट को बदनाम करने की ये साजिश रची गई, और ये लंबे समय से इस फिराक में थे। और हमें लगता है कि आज के समय में हिंदू मुसलमानों ने इसका जवाब दिया भी। हम जानते हैं ऐसे तमाम इलाके हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहाँ पे स्पॉन्टेनियसली हिंदू मुसलमानों ने मिलकर दंगाइयों को अपने इलाकों से खदेड़ बाहर किया। तो सरकार की तो मंशा है कि इसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए। कपिल मिश्रा का नाम लिया, कपिल मिश्रा का नाम आ रहा था कि इन्होंने भड़काऊ स्पीच दी और दंगे उससे फैले, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी अभी बीजेपी सरकार ने होम मंत्रालय की तरफ से उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई, इसे कैसे देखते हैं? तो आप खुद ही समझ जाइए कि दंगाइयों की सरकार जो है वो दंगाइयों को सुरक्षा दे रही है, और जो इनमें दंगाइयों के सरताज हैं, उनके जो पूरा कमांड, उनको कमांड करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, वो लगता है उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं कि जो तुमने अच्छा काम किया, जो तुमने दंगे भड़काकर पूरा माहौल खराब करना, और 48 से ज़्यादा लोग, ये तो सरकारी आंकड़ा, इससे ज़्यादा लोगों की जाने गई, और जो हिंसा जिस पैमाने पे और जिस मतलब तरीके से हुई है उसके लिए उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है। ये वैसा ही है जैसे बलात्कारियों को इस सरकार ने रिवॉर्ड किया है, जैसे तमाम उन लोगों को रिवॉर्ड किया है इस सरकार ने जिनका लिंचिंग में हाथ था, कि कईयों को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, कईयों को जेड प्लस और वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है। गुजरात तर्ज पे दिल्ली में हिंसा हुई है क्या? लगातार लोग कह रहे हैं कि जो हाल गुजरात में था वही हाल दिल्ली में, वही उसी तरह की ट्रेनिंग देकर हिंसा की गई थी, इससे आप कहाँ तक? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इससे। प्लानिंग तो इनकी यही थी कि इस तरीके का हमला करवा के एक दहशत का, एक खौफ का माहौल पैदा किया जाए, क्योंकि इस वक्त उनके पास सबसे बड़ा जो उनको सरदर्दी देने वाली चीज़ है वो एंटी सी एनआरसी प्रोटेस्ट है, और वो ज़ाहिर तौर पे ये चाहते थे कि ये पूरा माहौल क्रिएट करके, हिंसा हमले करवा के लोगों को जो है प्रोटेस्ट करने से रोका जाए, और ये लंबी प्लानिंग के बाद ही हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ की एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस तरह की घटना को रचा जा रहा है, एक संविधान पर हमला है इस तरह का? देखिए, मैं कहूँगी कि मैं इससे पूरी तरह से सहमति नहीं जताऊंगी, क्योंकि संविधान के कुछ चीज़ों पर हमला है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो इस सरकार द्वारा वो की जा रही हैं जो संविधान सम्मत भी है। आपको पता है कि इस वक्त दिल्ली में एनएसए लागू है, 18 जनवरी से 19 फरवरी तक दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या है कि पुलिस किसी को भी शक के बिना पर डिटेन कर सकती है और 10 दिन तक हिरासत में रख सकती है बिना उसे ये बताए कि आपको, आपके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, ये कर सकती है, और ये संविधान सम्मत है। संविधान सम्मत तो धारा 144 लगाना भी है। आपको पता है कल तमाम जो प्रोटेस्टर्स यंग इंडिया के प्रोटेस्ट में आ रहे थे उनको रोका गया। संविधान सम्मत तो सेडिशन का कानून भी है ना, तो इसलिए हमें संविधान की उन चीज़ों को ज़रूर बचाने की ज़रूरत है जो डेमोक्रेटिक है, लेकिन पूरा संविधान कितना डेमोक्रेटिक है इस पर हमारी राय अलहदा हो सकती है, क्योंकि संविधान में एक पार्ट 18 भी है जो इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत इंटरनल अग्रेशन और एक्सटर्नल अग्रेशन या थ्रेट के नाम पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का भी प्रावधान देता है। यानी अभी अगर सरकार चाहे और प्रेसिडेंट एट द काउंसिल एंड एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, तो आज तो मुद्दे भी वही हैं
मुंसिफ भी वही हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि कितना डेमोक्रेटिक है और क्या बचा है। आखिरी सवाल, बिहार में बीजेपी का जो दोहरा रवैया देखा गया है, उन्होंने एनपीआर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा, कैसे देखते हैं इस दोहरे रवैये को कि लागू नहीं किया जाएगा एनपीआर बिहार? उन्होंने कहा है कि वो 2010 के बेसिस पे करेंगे, और ये भी देखिए गोलमोल बात है, एनपीआर किसी भी फॉर्म में लागू नहीं होना चाहिए, ये कैटेगोरिकली हर सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, क्योंकि एनपीआर जिस भी फॉर्म में लागू होगा वो एनआरसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में चुनाव है, गुमराह बिल्कुल बिहार में चुनाव है और गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, इनको ये सब करना पड़ता है, लेकिन वो तो आप समझ लीजिए कि कितना सीरियस है इसको लेकर। बात यह है कि एनपीआर किसी भी रूप में लागू होना चाहिए, और इसी से जुड़ती हुई बात है कि दिल्ली सरकार को भी चलिए भाई, अगर अब ये आपके नीतीश कुमार अगर कर सकते हैं तो दिल्ली सरकार के पास तो 62 विधायक है, ये तो किसी गठबंधन की सरकार में भी नहीं है, तो इनको भी एनटीसीए एनआरसी एनपीआर रेजोल्यूशन जल्द से जल्द पारित करना चाहिए। कर तो रहे हैं अमित शाह जी से बात, केजरीवाल क्या मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत नहीं, मुलाकात और फूल गुलदस्ते और ये सब के अलावा भी बहुत काम किए जा सकते हैं। राजघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, लेकिन जो हिंसा हमले और दंगे जो इलाके झेल रहे हैं वहाँ आप नहीं गए, आपने अपने ही पार्टी के एक अल्पसंख्यक जो काउंसिलर हैं ताहिर हुसैन, बिना किसी सुनवाई के बिना किसी उसके उनको निकाल दिया। आप अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक काउंसिलर को नहीं बचा पा रहे हैं, आप दिल्ली में बाकी आवाम को तो क्या बचाएंगे? और मतलब इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने निराश किया मेरे ख्याल से तमाम जो इस तरीके के लिबरल जमातें थीं और तमाम इस तरीके के जो इंसाफ पसंद लोग थे, उनको तो मुझे लगता है केजरीवाल जी से काफ़ी निराशा हुई होगी। मोदी जी ने भी कहा कि मैं सोशल मीडिया को छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने भी आज ही सुना है, लेकिन मोदी जी इस तरीके की गप बहुत बोलते रहते हैं, वो ज़्यादा तो ट्विटर पे ही एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं, कितना सच है कितना झूठ है मतलब मैं तो क्या?